Okay, then today we will be discussing on hospital building and other healthcare centers, जो भी इन जनरल हमारे यहाँ पे होते हैं, लाइक आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अलावा आपका सब सेंटर्स हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, ठीक है, और इन जनरल हॉस्पिटल को बिल्डअप करने के लिए कौन से बेसिक नॉर्म्स को हमें फॉलो करना होता है. तो आज के जो ये डिस्कशन है या जो लेक्चर है उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है. पुराने टाइम से देखे जाए तो फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज जो हमारा, हालांकि हॉस्पिटल्स की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को बाद में रखा गया है, इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ की जो हिस्ट्री है हॉस्पिटल की या फिर जो हेल्थ केयर सेंटर्स उनके वहाँ पर थे उसका डिस्कशन ज़्यादा मिलता है. जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहाँ पे आचार्य चरक ने जो हमारा उपकल्पनीय अध्याय है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चरक सूत्र स्थान में 15 चैप्टर में, वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है. और जहाँ पे डिफरेंट वार्ड्स की बात करते हैं हॉस्पिटल वार्ड्स की, तो आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के वार्ड्स पढ़े हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने रसायन अध्याय अभी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने स्पेसिफिकली त्रिगर्भा कुटी पढ़ी होगी, दैट इज़ बेसिकली नीडेड फॉर रसायन थेरेपी, ठीक है. इसके अलावा जब आपने शारीरिक स्थान पढ़ा होगा तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आपने जो हमारा जो ऑब्स्टेट्रिक वार्ड होता है कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. और इन जनरल पंचकर्मा के यूनिट के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए हैं, किस तरीके से उसको आपको बनाना है, तो वो आप उपकल्पनीय अध्याय में देख चुके हैं, ठीक है. तो ये जो बेसिक हॉस्पिटल बिल्डिंग का इन जनरल जो स्ट्रक्चर, जो वार्ड वाइज स्ट्रक्चर है, वो आयुर्वेद में अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है. लाइक जो हमारा मेन शोधन थेरेपी होती है उसके लिए आपको उपकल्पनीय अध्याय में आपने देखा है कि किस तरीके से आपको पंचकर्मा की बेसिक इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, कैसा उसका स्पेस होना चाहिए, क्या उसकी लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है. सिमिलरली जो गायनोकोलॉजिकल वार्ड्स हैं या ऑब्स्टेट्रिक वार्ड हैं उसके लिए आपने देखा है कि कौन सी उसकी लोकेशन है, कैसे उसकी ज़मीन होनी चाहिए, उसकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है. ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें हॉस्पिटल की, तो एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पीपल इज डिफाइंडेड हॉस्पिटल. ये बेसिक डेफिनेशन है. इसके अलावा उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाए तो हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज बिल्ड स्टाफ्ड एंड इक्विप्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज फॉर ट्रीटमेंट बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल ऑफ द सिक एंड इंजर्ड and for their housing during this process. The modern hospital also often serves as a center for investigation and for teaching. ठीक है, तो हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपके, जैसे आप डायग्नोसिस होता है, उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, सिक है, इंजर्ड है, इसके अलावा उनका हाउसिंग, मतलब बेसिकली जो हम इन पेशेंट या IPD वार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर उसका हाउसिंग के लिए स्पेसिफाई किया जाता है. इसके अलावा स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे आपके एक्सरेज आ गया, CTs आ गई, या इसके अलावा और मॉडर्न थेरेपीज की बात करें जिनसे आप डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे आपका के लिए आप जैसे आपका FNAC आ गया, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं. इसके अलावा टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली जैसे आप लोग सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू बी देयर इन सम हॉस्पिटल या फिर अपने हॉस्पिटल में, इस तरीके से आप पेशेंट्स के साथ में डील करते हैं, कैसे आप डिजीज डायग्नोस करते हैं, ये सब का सब आपका इसके अंडर आता है. बेटर सर्व द वाइड रेंज नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, द मॉडर्न हॉस्पिटल हैज ऑफन डेवलप्ड आउट पेशेंट फैसिलिटीज, जो आपको पता है जो आपकी OPDs होती हैं, एमरजेंसीज हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं. जैसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता था वो क्यूरेटिव पे होता था, यानी कि कोई डिजीज हो गई और हम उसको मैनेज कर रहे हैं. अब जो मेन फोकस है जैसे इंडिया में भी, तो हमारा वेलनेस की तरफ है. जो हमने वहाँ पे पढ़ा था जब हम हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे वेलनेस के बारे में पढ़ा था. अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं. बेसिकली वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस पे काम करते हैं, ताकि जो हेल्थ बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके, जिसमें आपकी हेल्थ एजुकेशन आता है, IEC आता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है. इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स जो डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए देख सकते हैं, तो वो सारा आपके आपका बेसिकली वेलनेस सेंटर्स के अंडर आता है, या फिर जो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ है उसके अंडर आता है. इन एडिशन जो बेडलेस हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली एम्बुलेटरी, जहाँ पे OPD सर्विसेज बस होती हैं या डे केयर सर्जरीज होती हैं, पेशेंट अराइव्स एट द फैसिलिटीज फॉर द शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स एंड दे मे आल्सो स्टे फॉर ट्रीटमेंट इन सर्जिकल और मेडिकल यूनिट्स फॉर पार्ट ऑफ द डे और द फुल डे, आफ्टर विच दे आर डिस्चार्ज फॉर फॉलोअप बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है.
जो प्राइमरी हेल्थ केयर का, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, किस तरीके से हमें उसको मैनेज करना है, और उसको हमने एज अ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग उसको देखा था जब हमने इससे पहले देखा था पीएचसी के बारे में, एलमैट डिक्लेरेशन में पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। आयुर्वेद की बात करें तो बेसिकली आचार्य चरक ने इसको मेंशन किया है सूत्र 15 अंडर उपकल्पनीय अध्याय, जिसमें उन्होंने कहा है तदधाम दृढ़म निवातम प्रभात एकदेशम। ठीक है, तो बेसिकली एक स्पेसिफिक जहाँ पे जो बेसिकली जैसे लैंड एंड हाउसिंग में हमने देखा था कि हमने एक लैंड डिसाइड की थी जहाँ पे हम हाउसिंग के लिए उसको अप्रोप्रिएट मानते हैं, वैसे ही सिमिलरली हमारी जो भी हॉस्पिटल की लोकेशन है वो उसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा था प्रभात एक देख है सुख प्रविचार अन उपतेक। ठीक है, यानी कि बेसिकली उससे जो भी घर है या जो बेसिक जो हाउसिंग है उनसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए आपका, जो भी आप लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सुख प्रविचार यानी कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपका आराम से जो पेशेंट है वो आराम से घूम फिर सके, ऐसा आपकी लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है धूम आतप जल रज तजस अभिम अग्नियम यम निष्ठानाम च शब्दम स्पर्श रूप रसगंधानाम स उत्पादनों दुखम। ये जितनी चीजें हैं बेसिकली ये प्लीजेंट होनी चाहिए, यानी कि जो उस आपकी लोकेशन है उसमें कोई भी अनप्लीजेंट फीचर्स नहीं होने चाहिए कि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, या फिर जैसे रज के धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है वहाँ पे, जहाँ पे आना जाना पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको जो भी आपकी लोकेशन है वो आपको डिसाइड करनी है। इसके अलावा जो हमारे सर्व शब्द स्पर्श रूप रसगंधा नाम ये जो हैं, ये जितने भी हमारे बेसिक जो सेंसेस हैं उनके लिए जो भी पर्टिकुलर एरिया है वो प्लीजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक वर्ज स्थान मतलब प्रॉपर जो एक्सक्रीटरी एरिया है जो भी है वो आपका सेपरेट होना चाहिए, जो भी आपकी महानस है यानी कि आपका जो बेसिक किचन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, और वास्तु विद्या कुशलम प्रशस्तम। ठीक है, और जो भी वास्तु पहले बेसिकली हमारे यहाँ पे जो दिशाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व था, जैसे आपने अभी रिसेंटली रसगंधा पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी स्पेसिफिकली दिशाएं मेंशन की गई हैं जो भी आपकी एंट्री की क्या है या फिर जो आपकी लोकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने इससे पहले ऑब्स्टेट्रिक वार्ड जब पढ़ा था, जब आपने ये आपका चरक शाजी स्थान में जब आपने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो वहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफिक जो दिशाएं हैं वो मेंशन की गई हैं। बेसिकली ये सारा का सारा जो वास्तु जो रहता है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। तो ये आपका बेसिक था जिसमें उन्होंने लोकेशन है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए जब आपने त्रिगर्भा कुटी पढ़ी थी तो उसमें भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से वेंटिलेटर्स आपके होने चाहिए। एरिया और स्पेस की बात करें तो आपका एरिया वहाँ की मूवमेंट के लिए कैसा होना चाहिए, इसके अलावा जो सनलाइट का एक्सपोजर किस तरीके का है ये भी आपको ध्यान में रखना होता है जब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या जो आप एंशियंट क्लासिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं किसी भी हॉस्पिटल बिल्डिंग का। तो ये बेसिक था आपका आयुर्वेद अनुसार। ठीक है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हॉस्पिटल बिल्डिंग की इन जनरल हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग इन द डेवलप्ड कंट्रीज द हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स। देखिए, एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, इट इज़ मेड मोर सो एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज द रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज एंड एक्सपेंड द पॉसिबिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्विस एंड द is available, a more highly trained staff is required. That's why in the initial, when we were discussing about the definition of the hospital, it was mentioned that in a hospital, there is a teaching experience or your teaching staff is also there. Okay? That is basically to build up the human resources, hai, unke build up karne ke liye, that is highly necessary. Or trained staff hume mil sake, isliye necessary hai. A combination of the medical research, engineering and biotechnology has produced a vast array of the new treatments and instrumentation, much of which requires specialized training and facilities for its use. जैसे आप बहुत पुराने टाइम, बहुत पहले अगर सर्जरीज की बात करें तो पहले हम ओपन सर्जरीज करते थे, उसके बाद धीरे धीरे आपके सर्जरीज के जब नेक्स्ट इक्विपमेंट्स आने शुरू हुए तो उसके बाद आप बहुत ही मिनिमल स्कार के साथ आप उसकी सर्जरीज करने लगे, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में एडवांसमेंट आने लगी। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सिमिलरली डायग्नोसिस के लिए हैं, पहले आप अलग तरीके के डायग्नोसिस होते थे, अब अलग तरीके के डायग्नोसिस होते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने हैं तो आप स्पूटन टेस्ट कर रहे हैं, आप चेस्ट एक्सरेज कर रहे हैं, और एडवांस स्टडीज़ के लिए आपने
CTs कराए हैं, MRIs कराए हैं, अभी रिसेंटली बात करें तो सिर्फ आपका जो लो फेयर है उससे बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेज को डायग्नोज कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी है. हॉस्पिटल्स दस हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड हेल्थ सर्विस मैनेजर्स आर इंक्रीजिंगली कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हॉस्पिटल बिल्डिंग या जो भी हॉस्पिटल आप फॉर्म करने के लिए बात कर रहे हैं तो उन पर ये सारे फैक्टर्स आपको देखने चाहिए. हिस्ट्री की बात करें, वी ऑलरेडी हैड अ हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक जिसकी हम बात करते हैं, लाइक चरक है, शुश्रुत है, वाग्भट है. ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी हिस्ट्री है वैसे सिमिलर हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट जो भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं उनकी हिस्ट्री देखने को मिलती है. अभी रिसेंटली हिस्ट्री की बात करें या मॉडर्न हॉस्पिटल्स की बात करें तो एज अर्ली एज 4000 BCE रिलीजियस आइडेंटिफाइड सर्टेन ऑफ देयर डाइटीज विद हीलिंग. जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग जो देवता हैं उनको, जैसे हम हीलिंग कैपेसिटी उनकी जानते हैं, जैसे आप सूर्य देवता को हैं, ही इज अ गॉड ऑफ हीलर्स. इसके अलावा चंद्र है, ही इज गॉड ऑफ मेडिसिन. तो इस तरीके से वरुण देव हैं, ही इज बेसिकली डीलिंग विद द वाटर ट्रीटमेंट. और ये सब ऐसे करके हम जो डिफरेंट डिफरेंट डाइटीज होते हैं, हमारे जो गॉड्स होते हैं उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उनको, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिरों की बात की गई है वैसे ही सिमिलरली अलग अलग टेम्पल्स हैं या फिर जो अलग अलग हीलिंग सेंटर्स हैं इनिशियली वो आपके जो डाइटीज हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते थे. जैसे टेम्पल ऑफ सैटर्न है, लेटर फॉर द एस्केल्पियस है इन एशिया माइनर एंड वर रिकॉग्नाइज एज हीलिंग सेंटर. ब्रह्मानिक हॉस्पिटल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन श्रीलंका एज अर्ली एज 431 BCE. किंग अशोका एस्टैब्लिश अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स इन हिंदुस्तान अबाउट 230 BCE. अराउंड 100 BCE रोमन्स एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल for the treatment of their sick and injured soldiers. Their care was important because it was upon the integrity of the legions that the power of ancient Rome was based. ठीक है, तो ये basic history थी. modern hospitals की बात करें तो hospitals may be compared and classified in various ways by ownership. किस तरीके से आपके that may be private, that may be government, इस तरीके से ownership के according है या ownership या control जो रहता है. जैसे government hospitals है, government aided hospitals हैं, आपके private hospitals हैं, इस तरीके से आपके ownership and control के according आप divide कर सकते हो. by type of service renders, outpatient services बस available हैं, यानी ambulatory services सिर्फ हैं, या फिर आपकी inpatient ward हैं, या psychiatric hospitals हैं, या mental हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स भी उनको कहते हैं. तो इस तरीके से आप बाय द टाइप ऑफ सर्विसेज, बाय द लेंथ ऑफ द स्टे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. साइज या जो फैसिलिटीज है, यानी जैसे हम देखते हैं कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका साइज डिसाइड करते हैं. बाय द फैसिलिटीज, यानी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या फिर स्पेसिफिक किसी कंडीशन के लिए हॉस्पिटल है, जैसे लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं. एंड ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जनरल हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज हैं. इस तरीके से जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है. हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बेड, हॉस्पिटल मे बी कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ बेड दे कंटेन. मॉडर्न हॉस्पिटल टेंड्स टू रेयरली एक्सीड 800 बेड्स. ठीक है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें रेयरली 800 बेड से ज़्यादा जो बेड्स हैं वो रहते हैं. एंड दो सम इंटीग्रेटेड हेल्थ फैसिलिटीज में हैव मोर बेड्स. ठीक है, इंटीग्रेट में आपके अलग अलग टाइप की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, लाइक आपकी जो मल्टी स्पेशलिटी में अलग अलग स्पेशलिटीज की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें हो सकता है कुछ एक में 800 से भी ज़्यादा बेड्स हों. इसके अलावा दे ऑफन कंप्राइज मल्टी जियोग्राफिक लोकेशंस एंड ईच विल सेवरल हंड्रेड ऑफ बेड्स. इन अर्ली 21st सेंचुरी इट वॉज थॉट दैट अ फैसिलिटी ऑफ 800 बेड्स was the largest unit that could be governed satisfactorily from a single administrative unit while maintaining a corporate unity. Another index in the average bed occupancy rate, that is the percentage of available beds actually occupied per day, per month. Bed occupancy rate may be higher in the cold winter months which bring more respiratory disorders. ठीक है, तो बेड ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग जब हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल से कितने टाइम में, बेसिकली वो पर मंथ, पर डे और पर ईयर के अकॉर्डिंग हम बेड ऑक्यूपेंसी डिसाइड करते हैं. वो डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने पेशेंट्स ने बेड ऑक्यूपाई किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या ऑक्यूपेंसी रेट निकालते हैं. ठीक है, रेट्स एंड रेशियोज जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे. तो इस तरीके से आप बेड ऑक्यूपेंसी रेट निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कितना स्पेसिफिक बेड्स की हमें नीड है, कैसे उसको इंक्रीज करना है या फिर कैसे मैनेज करना है. डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी रेट मोर देन 100% होता है. जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि
पेशेंट बहुत ज्यादा है, उनके लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है, एक बेड पे दो दो पेशेंट्स को रखा जा रहा है। तो इस तरीके का इसलिए कहा गया है क्योंकि डिजीजेस जो है उनका जो इंसिडेंस या प्रिवेलेंस रेट सडनली ज्यादा हो जाता है, स्पेसिफिक सीजन में ज्यादा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कहा गया विंटर सीजन में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम हॉस्पिटल असाइन करते हैं या फिर सोचते हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल हमें एस्टेब्लिश करना है, तो वो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। The situation has also emerged in some developed countries where demand of the service has outstripped the supply. The time that patients spend in a hospital bed or average length of the stages, क्या की बात करें तो जब हम मतलब मिनिमम टाइम स्पेंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अप्रोक्सीमेटेड 5 days काउंट किया हुआ है। इसको नेक्स्ट इंडिया के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इज एन अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द हॉस्पिटल। इन एन एक्यूट हॉस्पिटल द एवरेज जो लेंथ ऑफ द स्टे है विल बी रिलेटिवली शॉर्ट। ठीक है, एक्यूट केयर में जैसे कोई पेशेंट आया, डिजीज को आपने मैनेज किया, एक्यूट कंडीशन है, उसके बाद आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो उसमें जो लेंथ ऑफ स्टे है वो रिड्यूस हो जाता है। हॉस्पिटल्स केटरिंग टू द क्रॉनिकली इल पेशेंट की बात करते हैं तो जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है विल बी मोर, ठीक है, या फिर उससे हाइयर हो सकता है। देयर मे बी सिग्निफिकेंट वेरिएशन बिटवीन द यूनिट इन द सेम हॉस्पिटल। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग यूनिट्स में आपका एवरेज जो लेंथ ऑफ स्टे है वो वेरी करता है। जैसे जो क्रॉनिक डिजीजेस के साथ डील करते हैं, सपोज एस्थेमेटिक कंडीशन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत लंबा स्टे है पेशेंट का, तो उसमें उनका लेंथ ऑफ स्टे वेरिएट करता है। देयर मे बी सिग्निफिकेंट वेरिएशन यूनिट इन द सेम हॉस्पिटल डिपेंडिंग ऑन द एक्यूटी एंड द कोमॉर्बिडिटीज ऑफ द पेशेंट। कोमॉर्बिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर अनरिलेटेड डिजीजेज और द डिजीज प्रोसेस इन सिंगल पेशेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर पेशेंट को दो मैसिव डिसऑर्डर्स हैं, लाइक कार्सिनोमा का पेशेंट है, साथ में उसको फॉर एग्जाम्पल उसको एच आई वी इन्फेक्शन भी है या फिर कोई और इन्फेक्शन भी है। ठीक है, सपोज स्किन कार्सिनोमा का पेशेंट है और उसको साथ में लंग इन्फेक्शन भी है, तो उस कंडीशन में दोनों ही जो कंडीशन है वो वेरी करती हैं, डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, अनरिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो बेसिकली जो वेरिएशन है वो अलग हो जाता है। इन हॉस्पिटल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज द एवरेज शॉर्टर देन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। हॉस्पिटल ऑनरशिप के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे मैंने कहा था कि कौन उसको ऑन कर रहा है और कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप हॉस्पिटल्स को डिफर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स या फिर सारे के सारे हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट गवर्न करती है या उसकी ऑनरशिप रखती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, लाइक ग्रेटर ब्रिटेन है, उसमें एक्सेप्ट स्मॉल नंबर रन बाय द रिलीजियस ऑर्डर्स और द सर्विंग स्पेशल ग्रुप्स, मोस्ट हॉस्पिटल आर विद इन द नेशनल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो मोस्टली वहाँ पे गवर्नमेंट गवर्न कर रही होती है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। लोकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटीज आंसर डायरेक्टली टू द रीजनल हॉस्पिटल बोर्ड एंड अल्टीमेटली टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। यूएस की बात करें तो वहाँ पे भी मोस्ट हॉस्पिटल्स आर नाइदर ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। इन सम इंस्टेंस हॉस्पिटल दैट आर पार्ट ऑफ द रीजनल हेल्थ अथॉरिटी आर गवर्नड बाय द बोर्ड ऑफ रीजनल अथॉरिटी एंड हेंस दीज हॉस्पिटल्स नो लॉन्गर हैव देयर ओन बोर्ड। जनरल हॉस्पिटल्स की बात करें तो जनरल हॉस्पिटल्स में भी एकेडमिक, ठीक है, जैसे इन जनरल वहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग हो रही है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो बेसिकली एकेडमिक हेल्थ फैसिलिटीज और कम्युनिटी बेस्ड एंटिटीज। दे आर जनरल इन सेंस दे एडमिट ऑल टाइप ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल केसेस। जनरल हॉस्पिटल इसलिए कि हर टाइप के पेशेंट्स वहाँ पे होते हैं, स्पेशलिटी पे आ जाते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक एक टाइप के पेशेंट्स के साथ डील किया जाता है, और जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं या मल्टी स्पेशलिटी की बात करते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के पेशेंट्स के साथ में डील किया जाता है। ठीक है, दे कॉन्क्रीट ऑफ द पेशेंट विद एक्यूट इलनेस नीडिंग रिलेटिवली शॉर्ट टर्म केयर। इसके अलावा कम्युनिटी जनरल हॉस्पिटल्स वेरी इन देयर बेड नंबर। ईच जनरल हॉस्पिटल हावर हैज अ ऑर्गेनाइज मेडिकल स्टाफ और प्रोफेशनल स्टाफ और अदर हेल्थ प्रोवाइडर, जैसे नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डाइटिशियंस हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड बेसिक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, ये सारे आपके जनरल हॉस्पिटल्स में होते हैं। In addition to the essential services related to the patient care and depending on the size and location, a community general hospital may also have a pharmacy, a radiology department, angiography department, physical therapy departments, obstetric unit वहाँ पे होती है, operating rooms होते हैं, recovery rooms होते हैं, outpatient department होता है और emergency department होता है। जिन लोगों ने भी general hospitals में visit किया है, they might know कि ये सारी की सारी जो अलग-अलग departments बताए हैं, ये सारे वहाँ पे होते हैं। स्मॉलर हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें मे डायग्नोज एंड स्टेबलाइज पेशेंट प्रायर टू ट्रांसफर टू द फैसिलिटी विद द स्पेशलिटी सर्विसेज।
लार्जर हॉस्पिटल्स देयर मे बी एडिशनल फैसिलिटीज, जैसे आपका जो डेंटल सर्विसेज है, नर्सिंग फॉर द प्री मेच्योर इन्फेंट्स है, हालांकि जैसे हरियाणा की बात करें तो बहुत सारी जगह पे वहाँ पे ICU यूनिट्स हैं, NICU यूनिट्स है, जहाँ पे नियोनेटल केयर्स होती है, रीनल डायलिसिस यूनिट्स कुछ एक जगह पे है, ठीक है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट, इनहेलेशन थेरेपी बहुत जगह पे होते हैं, ICU केयर है, वॉलंटियर सर्विसेज डिपार्टमेंट भी बहुत सारी जगह पे है, पॉसिबली होम केयर प्रोग्राम्स भी कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं, एंड एक्सेस टू द होम केयर प्लेसमेंट सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। कुछ जगह पे अवेलेबल है और कुछ जगह पे होम केयर जो प्लेसमेंट सर्विसेज हैं दे आर नॉट अवेलेबल इन द गवर्नमेंट जो जनरल हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे हैं। कुछ एक मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी होती हैं, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स ट्रेडिशनली हैव बीन केयर फॉर द लॉन्ग स्टे ऑफ द मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। आपने देखा होगा स्पेसिफिक डिजिग्नेटेड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे होती हैं, ठीक है। असाइलम्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, टुडे द मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज जनरल हॉस्पिटल हैड अ साइकेट्री यूनिट, ठीक है। जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे साइकेट्री यूनिट आप देख सकते हैं, और वहाँ पे हालांकि जो इन जनरल जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे वहाँ पे जो मेन हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हमारे रेफरल यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे सेपरेटली मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे है, वहाँ पे असाइलम्स है, वहाँ पे जो मेंटल असाइलम्स कहे जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स अलग से सेपरेटली वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो देर आर स्टिल फैसिलिटीज दैट स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट होता है आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जहाँ पे बेसिकली जो भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उनके पेशेंट्स को वहाँ पे रखा जाता है, मेडिकल नर्सिंग केयर वाज मिनिमल। टुडे हावर लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज हैव अ मोर एक्टिव रोल इन द हेल्थ केयर, सम फैसिलिटीज आर ट्रांजिशनल फ्रॉम द एक्यूट टू द आपके जो लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज है वहाँ पे, अदर हैव रेजिडेंट्स हु हैव अ नीड फॉर द प्रोफेशनल हेल्थ केयर बट डू नॉट नीड द इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जहाँ पे हमें एक्यूट कंडीशन नहीं है, जहाँ पे क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन किसी हेल्प की नीड नहीं होती है, वहां उनको हम लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज रिप्रेजेंट करती हैं सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन ऑफ द हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्पिंग टू कंजर्व एक्सपेंसिव फैसिलिटीज फॉर द एक्यूटली इल एंड इंप्रूविंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द क्रॉनिकली जो डिसेबल्ड पेशेंट है उनके लिए। ये आपके जैसे हमने कहा था ना ऑनरशिप के अकॉर्डिंग आप प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देन नाउ कम्स द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बहुत सारी कंट्रीज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दैट स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर कैटरेक्ट है, फॉर ज्वाइंट सर्जरीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे IVF सेंटर्स की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, या फिर स्पेसिफिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल्स की आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, तो वो स्पेसिफिकली उन स्पेसिफिक सेक्शंस हैं उनके लिए डिवोटेड है। जैसे ब्रिटेन में स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ऑफन कॉल्ड नर्सिंग होम, ठीक है। तो जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उनको हम नर्सिंग होम में मेंशन करते हैं, और जो उससे थोड़े से बड़े होते हैं यानी कि जो ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ डील करते हैं उनको हम हॉस्पिटल्स में काउंट करते हैं। मेन्यू विच प्रोवाइड लिटल मोर देन अकोमोडेशन एंड सिंपल नर्सिंग, द पेशेंट बींग अंडर द केयर ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है। यूजअली जो हमारे नर्सिंग होम्स होते हैं उनमें जनरल प्रैक्टिशनर उनके साथ में डील कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारे स्पेशलिटी सेंटर्स आते हैं जहाँ पे स्पेशलिटी उनके साथ डील करते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस इन द टाउन्स ऑफ डेवलपिंग जो कंट्रीज है कैरेक्टराइज बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ मेनी स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूजली ऑन्ड बाय द डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स हैं उनके जो सेल्फ ऑन्ड जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन सबको काउंट किया जाता है। नर्सिंग होम जहाँ पे जनरल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो उनके साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर एक्सटेंडेड हेल्थ केयर की बात करें तो विद द एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंस द एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑपरेशन द प्रोग्रेसिव केयर कंसेप्ट इज मोर अट्रैक्टिव बोथ द OPDs एंड द IPDs। प्रोग्रेसिव में बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो हम इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका आता है इंटेंसिव केयर, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट केयर है, देन सेल्फ केयर है, देन लॉन्ग टर्म केयर है, एंड लास्टली आपका ऑर्गेनाइज्ड होम केयर है। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आपका ऑर्गेनाइज होम केयर प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग टर्म केयर के लिए आपके पास डिफरेंट फैसिलिटीज हमारे पास हैं, सेल्फ केयर के लिए हैं, इंटरमीडिएट केयर के लिए हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करें तो IPHS है हमारे पास, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 2012, उसके बाद 2016। तो इन्होंने स्पेसिफिक रूल्स बनाए हैं कि किस तरीके की जो फैसिलिटी है वहाँ पे किस तरीके का आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कितने बेडेड हॉस्पिटल्स है तो उसमें कितना एरिया होना चाहिए, कौन सी जो फैसिलिटी है वो कितना जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। इंडिया हैज़ अ मिक्सड हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूसिव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ एक सिंगल नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड है, ना ही सिर्फ प्राइवेट ओन्ड है। तो इस तरीके से मिक्स टाइप ऑफ सिस्टम है इंडिया में।
द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज हैव बीन डेवलप्ड एज अ थ्री टायर सिस्टम बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन नॉर्म्स. ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा वाला, जैसे रूरल हो गया या आपका अर्बन है, तो उसमें कौन सी फैसिलिटीज वहाँ पे है और उसमें किस तरीके से आपका रेफरल यूनिट्स काम करती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पे हैं, वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरीके से इंडिया में आप मिक्स टाइप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम देखने को मिलता है. एज पर द IPHS यानी कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012, द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बेड इज बेस्ड अपॉन एनुअल रेट ऑफ एडमिशन लाइक 1 per 50 पॉपुलेशन. ठीक है, जो हम बेड डिसाइड करते हैं कि ये इतने बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनुअल रेट ऑफ एडमिशन, जैसे इससे पहले हमने एवरेज स्टे ऑफ द पेशेंट देखा था, वैसे ही सिमिलरली रेट ऑफ एडमिशन हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि इतने बेड का हॉस्पिटल हमें इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है. ये स्पेसिफिकली हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया या IPHS की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं. एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हम देख रहे होते हैं, जिसमें बेसिकली एज मतलब एक एवरेज 5 days काउंट करके रखते हैं. इन इंडिया द पॉपुलेशन साइज स्टैटिस्टिक वे 1000 से लेके आपका 15 लाख तक की पॉपुलेशन हो सकती है. स्टैटिस्टिक इज टेकन एज 1 मिलियन पॉपुलेशन. ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है उसको कंसीडर ना करते हुए ऑन एन एवरेज हम काउंट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटेड 1 मिलियन एक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया कंपेंडियम ऑफ द नॉर्म्स फॉर डिजाइनिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन. नंबर ऑफ बेड पर डेज पर ईयर जब करते हैं तो 10 lakh × 1/50 × 5, तो इस तरीके से आपके बेड डिस्काउंट होते हैं. नंबर ऑफ द बेड रिक्वायर्ड और द 100% ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 275. नंबर ऑफ बेड रिक्वायर्ड फॉर 80% ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 220 के अराउंड हमारे जो भी बेड्स हैं एक पर्टिकुलर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हम हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें इतने बेड्स के अकॉर्डिंग आराम से अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए हमारे पास. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सजेस्ट इन कॉपरेशन ऑफ ट्रॉमा सेंटर इन द हाईवेज कटिंग अक्रॉस अर्बन लोकल अथॉरिटी ज्यूरिडिक्शन. ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपने ट्रॉमा सेंटर स्पेसिफिकली देखे होंगे, तो वो डिसाइड करते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इन कॉपरेशन विद द जो हमारा हाईवेज जहाँ पे भी हाईवेज क्रॉसिंग्स होती हैं या कटिंग्स होती हैं अर्बन लोकल अथॉरिटी के साथ में कॉन्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर एस्टैब्लिश किए जाते हैं. जैसे कुछ लोगों ने देखा होगा, जैसे आई डोंट नो अबाउट यू बट बहुत सारी जगह पे स्पेसिफिक ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, जैसे रोहतक में एक ट्रॉमा सेंटर्स है, इसके अलावा आपका बहादुरगढ़ है वहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रॉमा सेंटर है. ठीक है, आई डोंट नो मे बी इन हिसार देयर वाज आल्सो अ ट्रॉमा सेंटर. तो ट्रॉमा सेंटर्स शुड बी सूटेबली पोजिशन अलोंग द हाईवेज. ठीक है, स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स वहाँ पे रहते हैं दे मस्ट हैव टू बी ट्रेंड इन द एमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा केयर. ठीक है, इसके अलावा विद एडिक्वेट इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियंस वहाँ होने चाहिए, सपोर्ट बाय द एफिशिएंट एंड एफिशिएंट एम्बुलेंस सिस्टम वहाँ होना चाहिए. ठीक है, ये आपकी URDPFI की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज है 2015 में ऐसा कहा गया. उसके बाद डिफरेंट जब हम अलग अलग हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट आपका आता है सब सेंटर्स. ठीक है, सब सेंटर्स आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पे आपने सब सेंटर्स देखे होंगे. तो जो सब सेंटर्स हैं बेसिकली वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं जब प्लेन एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे 5000 की पॉपुलेशन पे. जो हिली एरिया होता है या फिर जहाँ पे डिफिकल्टी होती है पहुँचने में, जैसे ट्राइबल एरियाज हैं आपके जहाँ पे इजीली नहीं पहुँचा जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल जैसी जो स्टेट है जहाँ पे हिली एरियाज हैं, या फिर जो आपके जैसे राजस्थान के कुछ बिल्कुल जो आउटरीच एरियाज है वहाँ पे आपका 3000 की पॉपुलेशन पे एक आपका सब सेंटर होना चाहिए. ईच सब सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी स्टाफ्ड बाय एटलीस्ट 1 ऑक्सिलरी नर्स, जो आपकी एंड मिडवाइफ जो ANN सिस्टर्स होती हैं वो, अ फीमेल हेल्थ वर्कर एंड अ 1 मेल हेल्थ वर्कर. ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे सब सेंटर पे उनकी ड्यूटीज होती हैं. सब सेंटर आर असाइंड टास्क रिलेटिंग टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि जो भी ANM सिस्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो 1-to-1 उनका रिलेशन होता है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के साथ में. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं, उनको प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना है, उनको प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस पे फोकस करना है, उनको बेसिक जो हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं उन पे फोकस करना है.
फैमिली वेलफेयर पे देखना है उनको, ठीक है, मेटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर पे फोकस करना है, इम्यूनाइजेशन पे फोकस करना है, डायरिया कंट्रोल करना है, एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम जितने भी गवर्नमेंट से चलाए जा रहे हैं उन सबको, ताकि उनमें हमें सक्सेस मिल सके, तो उनके लिए हमारे पास में सब सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज प्रोवाइडिंग 100% सेंट्रल असिस्टेंस टू ऑल द सब सेंटर्स इन द कंट्री सिंस अप्रैल 2002, ठीक है। ये आपका IPHS फॉर सब सेंटर्स 2012 में इस चीज़ को मेंशन किया गया था। जितने भी सब सेंटर्स हैं सारे सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं आपके। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो 100% असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्पेसिफिकली सब सेंटर्स को, ठीक है। सब सेंटर्स का एक और काम है कि बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, दैट में भी प्रमोशनल हेल्थ, दैट में भी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, सबसे ज़्यादा उसका फोकस वहाँ पर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके SDs हो गए, यानी कि आपके जो सब सेंटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट PHCs एस्टैब्लिश होती हैं, तो PHCs एस्टैब्लिश इन अ प्लेन एरिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ जो ये आपका है 30,000 की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, और जो हिली एरियाज है वहाँ पे 20,000 की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो उन इतनी पॉपुलेशन पे आपका एक PHC एस्टैब्लिश किया हुआ होता है, इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। इससे पहले जो आपका सब सेंटर था वहाँ पे आपकी ANM थी या हेल्थ केयर वर्कर थे, एक मेल था एक फीमेल था। PHCs की बात करते हैं तो यहाँ पे PHC पे एक मेडिकल ऑफिसर है, जहाँ पे डायरेक्टली जो भी पॉपुलेशन है आपकी विलेज कम्युनिटी है वो डायरेक्ट जो भी मेडिकल ऑफिसर है उसके कॉन्टैक्ट में आती हैं। PHC वर इनविजेज टू प्रोवाइड इंटीग्रेटिव क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन विद एन एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रिमिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर। यहाँ पे हमारा क्यूरेटिव जो है उस पर हमारा फोकस हो जाता है। सब जो हमारा सब सेंटर था वहाँ पे हमारा मेन था जो प्रिवेंटिव प्रमोशन ऑफ हेल्थ इन सब पे था, ठीक है। जहाँ पे हमने न्यूट्रिशन की बात की थी, इम्यूनाइजेशन की बात की थी, इसके अलावा जितने भी हमने कम्युनिकेबल डिजीजेज के प्रिवेंशन की बात की थी, तो वो हमारा सब सेंटर पे था, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, अब उससे हायर पॉपुलेशन 30,000 to 20,000 जो है आपकी, 20,000 आपका हिली एरियाज में और 1,000 आपकी जो मेन जो है वहाँ पे, मतलब बेसिकली जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा एक मेडिकल ऑफिसर होता है। PHC में बेसिकली मेंटेन्ड बाय द सेंटर, ठीक है, या फिर जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो प्रोग्राम है हमारा, यानी कि बेसिक जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जो भी नीड्स हो रही हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो PHCs को एस्टैब्लिश करती हैं। एज पर मिनिमम रिक्वायरमेंट PHC इज टू बी स्टाफ बाय अ मेडिकल ऑफिसर सपोर्टेड बाय द 14 पैरा मेडिकल स्टाफ एंड द अदर स्टाफ, ठीक है, जिसमें आपके सिस्टर्स के जो भी ANM है, ऑक्सिलरी नर्स हैं, इसके अलावा जो स्टाफ नर्सिस हैं, इसके अलावा आपका कंपाउंडर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्टाफ होती हैं, अप्रॉक्सिमेटेड 14 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, वो जो मेडिकल ऑफिसर है उसको साथ में सपोर्ट करने के लिए। इट एक्ट्स एज द रेफरल यूनिट फॉर 5 to 6 सब सेंटर्स एंड 4 to 6 बेड्स फॉर इन पेशेंट्स, ठीक है। तो इन जनरल जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक डायरियल कंडीशन है या फिर कोई और जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको वहाँ पे मिनिमम नीड्स के साथ में आप हैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ पे 4 to 6 बेड्स होते हैं IPD के। 5 to 6 सब सेंटर पे एक आपका PHC होता है, ठीक है। PHC इन्वॉल्व हेल्थ केयर प्रमोशन एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका CHCs, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा CHCs एस्टैब्लिश होती हैं। बेसिकली आर द एस्टैब्लिशमेंट इन एन एरिया ऑफ 1,20,000 पीपल की जो पॉपुलेशन है उस पर आपका एक आपका जो CHC है वो रहता है। हिली एरिया या फिर डिफिकल्ट टू रीच एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे आपके 80,000 जो पेशेंट्स हैं उन पे एक CHC रहता है। एज पर द मिनिमम नॉर्म्स अ CHC इज रिक्वायर्ड टू बी स्टाफ बाय 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उसमें एक सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, एक जेरियाट्रिशियन होती है और एक पीडियाट्रिशियन होता है। इसके अलावा उसमें 21 पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ होते हैं जो CHC के साथ में उनको जो बेसिक आपका जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर था वहाँ पे आपका बेसिक आपके 14 पैरामेडिकल स्टाफ थे, एक आपका मेडिकल ऑफिसर था, ठीक है। जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बात आते हैं तो यहाँ पे स्पेशलिटीज होती हैं जिसमें आपके मिनिमम जो 4 आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें आपका सर्जन है, आपका फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन है, उसमें 21 आपके पैरामेडिकल स्टाफ और अदर स्टाफ होते हैं। यहाँ पे 30 बेड्स होते हैं, उसमें आपका एक आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, एक्सरे होता है, लेबर रूम होता है और लेबोरेटरी फैसिलिटीज यहाँ पे होती हैं। ये आपकी रेफरल सेंटर्स होते हैं PHCs विद इन द ब्लॉक, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल में डिवाइड करते हैं। तो ब्लॉक में जो PHC का जो रेफरल सेंटर
इट ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के आपके जो स्टाफ नर्सेज होते हैं या बाकी का जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस बेसिक आपको चाहिए होती हैं वो सारी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए ये हमारे PHCs की रेफरल यूनिट है। जो बेसिक सर्जरीज हैं वो भी की जाती हैं, जैसे जो बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो बेसिक सर्जरी, स्टरलाइजेशन की जो सर्जरीज हैं वो भी CHCs पे की जाती हैं। अगर प्रॉपरली डेवलप्ड है तो उस कंडीशन में कैटरेक्ट सर्जरीज वहाँ पे की जाती हैं। जो बेसिक जर्नल सर्जरीज हैं वो भी CHCs पे की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उस कंडीशन में जो आपका LSCS है वो भी वहाँ पे हैंडल की जाती हैं। तो जो इन जनरल इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो CHCs पे आपके हैंडल होती हैं। इसके अलावा फिर आते हैं आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल्स। जैसे आपके नियरेस्ट में बरवाला की बात करें तो वहाँ पे सब डिविजनल हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे 1 लाख से 5 लाख की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे एक SDH होता है आपका सब डिविजनल हॉस्पिटल, ठीक है, जो नियरेस्ट है आपको पता है बरवाला में, दैट इज सब डिविजनल हॉस्पिटल। तो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स आर बिलो द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो आपका जनरल हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके नीचे आता है, लेकिन अबोव द ब्लॉक लेवल, जो ब्लॉक लेवल पे हमारी CHCs होती हैं उनसे ऊपर रहता है। ये हमारी FRUs में काउंट होता है। FRU इज बेसिकली फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है। FRUs के लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। एक्ट एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट फॉर तहसील, तालुका, ब्लॉक, पॉपुलेशन इन विच दे आर जियोग्राफिकली लोकेटेड एंड स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू दीज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड दे रिसीव रेफर्ड केसेज फ्रॉम द नेबरिंग CHCs, PHCs हैं, उनमें जितने भी आपके रेफरल्स हैं वो आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आते हैं। They have an important role to play as a first referral unit in providing emergency obstetric care. ठीक है, जो CHCs पे डील नहीं होती उनको फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल्स पे रेफर किया जाता है। Neonatal care है, help in bringing down the maternal mortality rate and infant mortality rate. ठीक है, जैसे इंडिया में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट पे और मेटरनल मॉर्टिलिटी रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ताकि हम इनको रिड्यूस कर सकें, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें उसके लिए। In some of the states, each district is subdivided into 2 or 3 subdivisions. A subdivision hospital caters to about 5 to 6 lakh of people. In the bigger district, subdivisional hospitals fill the gap between the block level hospital and the district hospitals. ठीक है, जहाँ भी जो specific बहुत बड़ी district है वहाँ पे इस gap को fill करने के लिए हमारे पास में subdivisional hospitals होते हैं। हॉस्पिटल के बाद आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल रहते हैं, ठीक है। अब वो 5 लाख की पॉपुलेशन पे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, या फिर आप इन जनरल, जब स्टार्टिंग में हमने जनरल हॉस्पिटल्स की बात की थी तो वहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन हमने ऑन एन एवरेज काउंट की थी, तो उन सब के लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या फिर बहुत जगह पे उसको जनरल हॉस्पिटल काउंट किया जाता है, तो वो हमारे पास रहता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट टू प्रोवाइड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज और या फिर जो फर्स्ट रेफरल यूनिट थी वो हम ऑलरेडी, जो हमारे सब सेंटर्स हैं, PHCs हैं, हमारे सेकेंड जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नॉर्मली हर एक डिस्ट्रिक्ट। ओके बेटा, हां जी मैम, आवाज कट रही है। Every district is expected to a district hospital. As the population of a district is variable, the bed strength also varies from 100 to 500. जैसे हमने bed occupancy rate वहाँ पे देखा था, वैसे ही हम decide करते हैं किसी भी district के hospital में कितना beds होने चाहिए। 100 to 500 beds के around जो है वो उसमें vary करते हैं। District hospital should be in the position to provide all basic specialty services and should aim to develop super specialty services gradually. बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं, जो भी पेशेंट्स की जो स्पेसिफिक स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी नीड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नॉर्मली पूरी होती हैं, और साथ में हम और जो सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो सर्विसेज ग्रेजुअली हम उसमें इंक्रीज कर रहे होते हैं।
ठीक है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑल्सो नीड टू बी रेडी फॉर एपिडेमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल द टाइम्स. जैसे अभी रिसेंटली आप एपिडेमिक कंडीशन, बेसिकली इट्स अ पेंडेमिक कंडीशन, बट एपिडेमिक कंडीशन के लिए इसके अलावा जो भी डिजास्टर्स होते हैं, जैसे ये हेल्थ डिजास्टर है, इसको एपिडेमिक भी बोल सकते हैं आप उसको, उसके लिए हर टाइम पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको तैयार रहना होता है. इन एडिशन इट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स. ठीक है, ये भी आपने देखा होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा जो भी आपका बेसिक जो BMS के जितने भी लेवल्स हैं, उसके बाद में आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए आपकी जो इंटर्नशिप है वो आपकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड जनरल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे दोनों में होगी. तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लेवल के हेल्थ वर्कर्स के लिए. ठीक है, जो भी आपके एलोपैथ इंटर्न्स हैं वो भी वहाँ पे होंगे, आयुर्वेदा इंटर्न्स हैं वो भी वहाँ पे होंगे. ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आप जितने भी ANMs हैं या फिर जो स्टाफ नर्स हैं, GNMs हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं सबकी ट्रेनिंग्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होती है. उसके बाद आती हैं आपकी फर्स्ट रेफरल यूनिट्स. फर्स्ट रेफरल यूनिट्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं या हमारी CHCs हैं, उनको हम फुल्ली ऑपरेशनल फर्स्ट यूनिट काउंट कर सकते हैं, जो हमारी FRUs होती हैं. ठीक है, लेकिन ओनली इफ इट इज इक्विप्ड टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सर्विसेज फॉर द इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यू बॉर्न केयर इन एडिशन टू द ऑल इमरजेंसी दैट एनी हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड. ठीक है, अगर उनमें बेसिक ऑब्स्टेट्रिक केयर इमरजेंसी ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी अगर हो जाती है ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में, उसको हैंडल करने की अगर उनके पास कैपेसिटी है, या फिर न्यूबॉर्न केयर करने के लिए अगर है, इसके अलावा और जो इमरजेंसी हैं जैसे सपोज ट्रॉमा अगर कुछ हो जाता है या कुछ और कंडीशंस हैं, अगर उनको हैंडल करने की कैपेसिटी है तो उस कंडीशन में आप उसको FRUs में काउंट कर सकते हैं. ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट देर आर 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैसिलिटी बीइंग डिक्लेयर्ड एज FRUs. ठीक है, फर्स्ट क्या है उसमें, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर होनी चाहिए इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन. जैसे सिजेरियंस अगर करने पड़े, सिजेरियन सेक्शन, तो उसकी कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए FRUs में, तभी आप उसको FRU में काउंट करते हैं. दैट में भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दैट में भी आपका सब डिविजनल हॉस्पिटल या फिर CHC, अगर वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको FRU में काउंट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है केयर फॉर स्मॉल एंड सिक न्यू बॉर्न्स. ठीक है, जो हमारी नीकू की यूनिट होती है अगर वो वहाँ पे हैं तो उस कंडीशन में आप उसको FRU में काउंट कर सकते हैं. एंड ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी ऑन 24 आवर बेसिस, यानी कि राउंड द क्लॉक वहाँ पे जो फैसिलिटीज रहती हैं अगर वो हैं तो हम उसको FRU में काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका IPHS का अगर बेसिक अगर हम बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दैट वॉज लॉन्च इन 2005, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स पढ़ेंगे. तो उसके साथ में NHM जो है प्रेजेंट, पहले NRHM था, लेटर ऑन उसको NHM में काउंट कर लिया गया. अब NHM की जो ब्रांचेज हैं वो आपकी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दैट इज NRHM एंड दूसरा NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन करके उसके दो बाइफर्केट कर दिए गए हैं. वॉज लॉन्च इन 2005 टू स्ट्रेंथन द रूरल पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ has since met many hopes and expectations. The mission seeks to provide effective healthcare to the rural jo population hai wahan pe throughout the country with 6 focus on the state and union territories which have weak public health indicators. ठीक है, health indicators हमने जब health के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने health indicators को देखा था. इसके अलावा जो weak infrastructures हैं, तो जहाँ पे भी weak health indicators हैं, health indicator में आपके maternal mortality rate था, morbidity rate था, इसके अलावा नियोनिटल डेथ रेट था. ठीक है, तो इस तरीके से वो इंडिकेटर्स थे कि जो हम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं वो, या जो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी सफिशिएंट है पब्लिक को हेल्दी बनाने में. तो अगर वो इंडिकेटर्स लैक कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में तो वहाँ पे डील करने के लिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो NHM है या जो NRHM इनिशियली, ठीक है, उसको हमने लॉन्च किया था. इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था जो हेल्थ केयर का, उसको बिल्डअप करने के लिए. ठीक है, टुवर्ड्स दिस एंड द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो PHCs हमने देखे हैं, CHCs देखे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, देवर पब्लिश्ड इन January-February 2007 एंड हैव बीन यूज एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड अपग्रेडेशन इन द स्टेट्स एंड जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे. IPHS as a set of uniform standard envisages to improve the quality of healthcare delivery in the country and the IPHS document have been revised keeping in the view the changing protocols of the existing programs.
एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोग्राम स्पेशली इन द नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था तो हमारा मेन फोकस कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स पे था, लेकिन लेटर ऑन हमने उसको नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स पे फिक्स किया, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है हेल्थ केयर सिस्टम में, वैसे वैसे आपकी जो डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो बेसिक कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं. लेकिन क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंजेस हुई हैं, इसके अलावा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, किस तरीके का वर्किंग पैटर्न था वो चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, तो उस कंडीशन में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं. तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं उन जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स की तरफ शिफ्ट किया गया है. These IPHS guidelines will act as the main driver for the continuous improvement in quality and serve as the benchmark for assessing the functional status of health facilities. State and union territories should adopt these IPHS guidelines for strengthening the public healthcare instructions and put in their best efforts to achieve high quality of healthcare across the country. ठीक है, तो जो IPHS ने इतनी सारी गाइडलाइंस दी है, जैसे इससे पहले हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे या अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स देखे हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, वो सारे के सारे आपके IPHS की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं. ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में उनको एडवाइस भी दी गई है दैट यू शुड गो ऑन विद दीज IPHS जितने भी गाइडलाइंस हैं, ताकि आप हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें. तो इसके लिए ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, ये आपका बेसिक था आपके हॉस्पिटल्स के, अलग अलग टाइप के जो हॉस्पिटल्स होते हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, किस तरीके से आपको एस्टैब्लिश करना है, आपके बेड्स के ऑक्यूपेंसी कैसे देखनी है, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने बेड्स होने चाहिए, कहाँ पे किस तरीके का हॉस्पिटल होना चाहिए, कैसे आपकी हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, उसकी बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ एक जो चीज़ें रहती हैं, जैसे हमने हॉस्पिटल में हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन अलग होता है, इमरजेंसी सर्विसेज अलग होती हैं, इन पेशेंट वार्ड अलग होते हैं, आउट पेशेंट जो फैसिलिटी हैं वो अलग होती हैं. ठीक है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे एक बार इसके गो थ्रू हो जाना, कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना. IPHS जो बेसिक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आपको इन डिटेल देखना है तो उसकी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मुझे एक बार बता देना.